तो दोस्तों आप इस तरह की इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक इस तरह की इमेज में। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत ही एडवांस टूल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है एनवीडिया कैनवास। आप इस टूल की हेल्प से नॉर्मल पेंटिंग को एक रियलिस्टिक पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस AI टूल को यूज़ करने के लिए कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। डाउनलोड बीटा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक GPU होना नेसेसरी है जो कि RTX सीरीज का होना चाहिए। आपके सिस्टम में 4GB रैम हो और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उससे हायर वर्जन हो, और साथ ही साथ आपके पास जो भी GPU है उसके ड्राइवर्स होना ज़रूरी है। अगर ये रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम से मैच करती हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड बीटा पे क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस सॉफ्टवेयर को आप लोगों के लिए पहले से डाउनलोड करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मेक श्योर कर लें आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स अप टू डेट हों। इसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ये कुछ फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। सो दोस्तों आप जब इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आप दो टाइप की पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड है जिसमें आप 2D इमेज को क्रिएट कर पाएंगे और दूसरी है पैरोनोमा, इसमें आप 3D इमेज को क्रिएट कर पाएंगे। बट जो 3D इमेज वाला फीचर है वो अभी बीटा वर्जन में है, इसलिए अभी हम स्टैंडर्ड पेंटिंग बनाएंगे जिसमें हम 2D पिक्चर्स को जनरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे ब्रशेस मिल जाएंगे, आप यहाँ से इन ब्रशेस का यूज़ करके यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप की पेंटिंग्स मिल रही हैं, आप यहाँ पे जो भी ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे AI उसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर देगी। तो चलिए अब हम पहले ग्रास को ड्रॉ करके देखते हैं। हमने यहाँ से ग्रास वाला ब्रश लिया, आप यहाँ से इस लेयर का नेम चेंज कर लीजिए। मैं इस लेयर का नाम ग्रास दे देता हूँ। आप एंटर बटन करेंगे तो ये नेम सेव हो जाएगा। सो दोस्तों हमने यहाँ पे ग्रास को ड्रॉ किया था और आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग नज़र आ रही है। हो सकता है शायद आपको ये वाला वेरिएंट पसंद ना आए, तो यहाँ पे कई सारे और वेरिएंट्स हैं, आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। इनमें से आप कोई सा भी वेरिएंट ले सकते हैं, कई सारे इमेज के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। फिलहाल मुझे ये वाला वेरिएंट काफ़ी पसंद आ रहा है, मैं ऐसे रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप ट्री को भी लगा सकते हैं, मैं ये फॉरेस्ट ब्रश ले लेता हूँ। यहाँ से आप ट्री जनरेट कर पाएंगे। आप एड लेयर पर क्लिक करके नई लेयर बना लीजिए ताकि अगर आपको बाद में कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो आप उस चीज़ को सेपरेटली डिलीट या फिर इरेज कर पाएँ। अब हम यहाँ पे एक ट्री को बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस पेड़ में फूल खिलें, तो फूल के लिए आप यहाँ पे ये फ्लावर वाला ब्रश ले सकते हैं। देखिए इस फ्लावर वाले ब्रश से जहाँ जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ वहाँ पर उस पेड़ में फ्लावर आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे और भी ब्रशेज़ हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्रश है माउंटेन वाला, अगर आप माउंटेन ब्रश की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो आप माउंटेन जनरेट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये माउंटेन उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ से वेरिएंट्स में जाएंगे और यहाँ पर इस स्लाइडर को बढ़ाएंगे। इस इमेज के भी और कई सारे वेरिएंट्स निकल के आ जाएंगे जो कि हमें और रियलिस्टिक फील देंगे। तो यहाँ पे कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें और डिफरेंट टाइप की इमेज स्टाइल्स हैं, आप इन्हें भी अप्लाई करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यही वाली पोर्ट्रेट अभी रहने देता हूँ और हम इसी में थोड़ा सा आगे और कुछ चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्रास के बीच में स्टोन रखना चाहते हैं तो हमने ये स्टोन वाला ब्रश ले लिया है। अब हम यहाँ पर स्टोन क्रिएट करेंगे। सो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टोन वाले ब्रश की हेल्प से हम स्टोन क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके बाद एक ब्रश है बुशेस का जहाँ पे आप झाड़ियाँ क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कई सारी झाड़ियाँ आ गई हैं, बट अभी भी हमें ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आसमान में बादलों की कमी लग रही है।
तो हम बादलों के लिए यहाँ पे एक क्लाउड ब्रश ले लेंगे। इस क्लाउड ब्रश की हेल्प से हम बादल को क्रिएट कर पाएंगे। सो दोस्तों, अब ये इमेज बहुत ही रियलिस्टिक फील हो रही है। अब हम इस इमेज में यहाँ पे नदी क्रिएट करके देखते हैं कि यहाँ पे नदी क्रिएट हो पाती है या नहीं। हम यहाँ से ये रिवर वाला ब्रश ले रहे हैं जिससे हम नदी को क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ से इमेज के और वेरिएंट्स देखते हैं, शायद हमें कोई और अच्छी सी इमेज मिल जाए। तो देखिए, ये इमेज काफ़ी रियलिस्टिक फील हो रही है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।